एक चीज तो बोलना बोल गया गाइस, चाय बहुत ही ज्यादा अच्छा है। या दामांकी, अरे माँ भगा भगा आ रहे अपने पास ही लड़की का। ये रास्ता बहुत अच्छा है, मैं तो बोलता हूँ गलत यहाँ से जाए, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, मेकअप अच्छे से पूरा हो जाएगा। मुंबई से आता हूँ गाइस, गांव का व्यू मतलब मौसम अच्छा है और व्यू भी बहुत प्यारा प्यारा देखने मिल रहा है, जैसे कि मतलब इतनी सारी हरियाली और ठंडा सा मौसम है। एक चीज और मैं गाइस बोल दूँ आप लोगों को, मेरे भाई की ना मतलब मेरे चाचू की ना शादी होने वाली है, तो शादी से पहले का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और आज गाइस मेरा गांव में पहला दिन है, जो है कि मुझे ना यहाँ पर ये पता चला है कि मतलब हम लोग जो खेत है वो खेत में ना धान है ना कटना स्टार्ट है, मतलब 90% कट चुका है, 10% ही सिर्फ बाकी है। तो मेरे साथ में ना मेरे चाचू चलेंगे, और कौन चाचू है अभी आपको थोड़े टाइम में देखने मिलेगा, क्योंकि अभी वो नहा रहे ना। तो वो जैसे आएंगे मैं आपसे उनको मिलवाता हूँ, फिर हम लोग यहाँ से ना चलेंगे अपने खेत में। और उसके बाद में ये भी देखना कि मतलब जो मेरे चाचू है वो कितने मुझसे बड़े उम्र में मैं उनसे बड़ा हूँ, लेकिन एक जो रिश्ता होता है ना उसमें वो ना मतलब वो चाचू का रिश्ता है, ठीक है, तो मैं वो उनका भतीजा लगूँगा। तो अभी वो हम दोनों चलेंगे अपने खेत में, और कैसा मतलब कि ना फसल होती है, कैसा धान काटते हैं, क्या क्या चीज़ें होता है मुझे भी देखने मिलेगा, आपको भी देखने मिलेगा। इस बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब से NK की वीडियो यूपी की मतलब मेरे गांव की उत्तर प्रदेश की आपको देखने मिलेगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पर भी हम लोग फन करेंगे, मस्ती करेंगे, जो भी करेंगे गाइस आपको सारी चीज़ें ना वीडियोस में देखने मिलेगा। तो बिना स्किप करें मेरे सारे वीडियोस ना अच्छे से देखिए, आपको भी ज़्यादा मज़ा आएगा गाइस। तो जैसे ही आते हैं हमारे तारीफ चाचू, तो हम लोग फिर यहाँ से निकलेंगे, तो मैं भी उनका वेट कर रहा हूँ, जैसे ही आते हैं तो मैं उनसे आपको ना मिलवाता हूँ, तभी हम यहाँ से अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे ना। ये देखो गाइस, मुझे यहाँ खड़ा करवा के और ना अंदर मुझे ढूंढ रहे कि मैं किधर पे हूँ, ये गलत बात है। मुझे यहाँ खड़ा करा के अंदर ढूंढ रहे हो, तो देखो ये गाइस हमारे तालिब चाचू। मैंने पानी नहीं पिए, पानी पी लिया। चलो कोई बात नहीं, तो ये देख लो। हाँ चलेंगे, और क्या, आप लेट थोड़ा करेंगे। तो गाइस मैंने बोला ना जैसे कि मैं मिलवाऊंगा, यही है हमारे तालिब चाचू। और अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, क्या बोलते हैं, चले चलते हैं। चलो फिर तुम छोटा हो रहा है, खत्म होने वाला। हाँ क्या बात कर रहे हैं बाबा, एक चीज तो है, ये बात सही बोले। तो ये देखो ऐसा काटने का काम चालू रहता है, मतलब अभी ये फिलहाल हाथ से कटिंग हो रहा है, मशीन की भी सुविधा हो चुकी है, लेकिन पहले ऐसे ही करते थे, और यहाँ पर काटने बाद में कुछ ऐसा सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, काफी जगह काटना भी बाकी है, लेकिन कुछ वो लगा है, जो मजा हरियाली देखने में ना ऐसा मुंबई में देखने कहाँ मिलेगा। इसके लिए एक आध बार तो मतलब मैं साल में एक बार तो आ ही जाता हूँ ये सारी चीज़ों का मजा लेने के लिए। और मौसम भी काफ़ी मुंबई से अच्छा है, यहाँ पर है ठंडी का महीना है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और एक चीज़ गाइस मैं आप लोगों को आगे और दिखाता हूँ, पहले बहुत ज़्यादा करते थे, अभी बहुत कम देखने मिलता है, वो आपको दिख रहा होगा, देखो अंदर में ये दिख रहे हो उतना रखा गया है, इससे मतलब कि ना परिंदे डरे या और भी कुछ जैसे डराना हो वो चीज़ से डरेगा इस सबसे, इसके लिए सबको ना रखा जाता है इधर पे। काय का ये बैगन, बैगन 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 का है, अपना खेत है ये अलग। तो गाइस मुझे भी इतना मालूम नहीं, ये हम लोग खेत है और ये हल जो होते मेरे भाई लोग। क्या होगा इसके अंदर, गुड्डू भाई ना वो। हाँ चलो उनके पास चलते हैं। बाकी परिंदे सरिंदे खेत में वहाँ ये सब देख के तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। और गुड्डू भाई क्या हाल चाल है, आ गए वीडियो में आप भी। हाँ नेता भैया आए, तो ये हमारा गुड्डू भाई है। और इधर पे ये काय का मतलब, ये जो ये हो रहा है क्या चीज़ है, क्या डालेंगे? आलू डाले, आलू। अच्छा तो आलू मतलब डालना स्टार्ट किया अभी, क्या अभी नहीं, अभी जुताई चल रही है, जुताई। अच्छा अभी जुताई चल रही है, तो गाइस इसमें अभी ना प्लान खेत को ना जोता जा रहा है और इसके अंदर ना आलू डालेंगे। और चलो देखते ना इधर कितना अच्छा चीज़ है, जितना मैं देख रहा ना उतना मुझे और देख के ना सब चीज़ें ना मतलब मज़ा आ रहा है, मेरे भाई लोग देखिए ना खुश।
तो पहला दिन मैंने सोचा क्यों ना अपने खेत चलेंगे, जाके खेत देखेंगे ये सब जगह पे, और काफी ज्यादा हरियाली है ना, तो निकला हूँ कितने मैं यहाँ पर, मैं कुछ 4 बजने वाला है गाइस। तो सुबह से मतलब मैं वही सब अपना सामान मतलब शिफ्ट करो यहाँ से वहाँ रखो वही सब चीज़ों में फंसा हुआ था, अभी टाइम मिल गया तो अब मैं निकला हूँ बाहर, तो मुझे पता चला कि धान कट रहे हैं और इधर पे आके तो पूरा सीन ही पलटी हो गया, मतलब कि धान का तो नाम निशान मिल गया है। अभी तो ये लोग खेत भी जोत रहे हैं। मैंने बोला था ना गाइस कि मतलब कि 90% ना कट के हो गया है, 10% ही सिर्फ बचा हुआ था, और मेरे आते थे वो 10% भी गायब हो गया। किधर गया पता नहीं, लेकिन कट के हो गया है, अब वो जहाँ कहीं भी धान हो घर पे तो पहुँच जाएगा, ठीक है। और अभी इसके अंदर आलू रखेंगे, मतलब कि उगाएंगे, और कुछ ही दिन में मतलब आलू तो लगा ही देंगे मेरे भाई लोग, पीछे नहीं हटने वाले हैं। एक बार तीर बोलते हैं ना कमांड से निकल गया तो फिर वो आता नहीं है, निकल गया मतलब निकल गया, अब अपने निशाने पर पहुँच ही रहेगा, जहाँ का रुके वहाँ पर वो लगेगा। तो चलो गाइस हम लोग अभी आगे चलते हैं, दिन की शुरुआत अच्छा जा रहा है, मज़ा आ रही है, पहला दिन खेती वगैरह देखिए तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी तक मैं यहाँ पर किसी से मिला नहीं हूँ, मुझे सबसे मिलना भी बाकी है, सबसे मिलेंगे गाइस क्योंकि घाई नहीं है ना। ये देखो यहाँ पर अभी स्लोली स्लोली मतलब इतने कटा हुआ है, तो इतना काटने के लिए पता नहीं इनको कितना और दिन जाएगा, लेकिन जो भी है अभी तो फिलहाल इसका तो मस्त अच्छा पूरा काम चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आगे भी है, हाँ आगे तो पिटने का काम चल रहा है गाइस, मतलब देखो ऐसा काटते हैं और काटने के बाद सुखाने वाला भी चीज़ दिखा दिया कि मतलब ये जब ये कट के हो जाना सूखेगा, और फिर उसके बाद हम लोग पीटते रहेंगे पूरा, पीट पीट के पूरा भरेंगे बोरी में, फिर वो चीज़ हम लोग घर में आएगा, जैसे कि वो आगे है ना, ये जो चीज़ देखो पहले ऐसा कटेगा, फिर ऐसा सूखेगा और फिर वैसा पिटेगा, तो मतलब 3 प्रोसेस होता है, पहला काटने का, दूसरा सुखाने का, तीसरा पीटने का, फिर भर के सीधा घर पहुंचा देने का। थैंक्स ऑनलाइन सब दिखाया मैंने आप लोगों को, अभी और चीज़ें देखेंगे और क्या देखने मिलेगा, तो और हम लोग ना भी देखेंगे। तो गाइस फिलहाल अभी मेरे यहाँ पर ना चाय की चुस्की चलने वाली है, मैं थोड़ा सा इधर पर आया हूँ चाय की टपरी पे, गांव में ऐसे ही देखने मिलेगा गाइस, अपने वैसा नहीं देखने मिलेगा। और यहाँ पर एक चीज़ तो अच्छा है, जो कुल्लड़ में चाय पीने का मज़ा है ना गाइस, वो आप समझ सकते कि क्या भाई ये मतलब तो भी है। अरे यहाँ लगे मसला लेके चले गए। कंट्रोल ऐसा गाड़ी भगाते यार, क्या बोलो पूरा रोड पे हो ना तो काफी ज्यादा रोड खराब है, चाय पी लेते हैं, चाय निकलते हैं आगे के लिए। एक चीज तो बोलना बोल गया गाइस, चाय बहुत ही ज्यादा अच्छा है। चलो अब हमें ऐसा चलते हैं। मजाक कर रहा है क्या? नहीं तो बोले कि देखो इनके क्या कर रहे हैं, इनके के ब्लॉग में मतलब कि मस्ती होती रहती ना, तो और कुछ नहीं, फिलहाल फन और मस्ती हो रही है। चाय भी बड़ी अच्छी लगी मुझे, ना मुझे बहुत अच्छी लगी ना, तो मैंने सोचा कि बता दूं, बता दिया हूं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अरे वाह बंदर, क्या बात है, बंदरों का राजा पूरा ही देखो गाइस, या दावांकी, अरे मांकी भगा भगा आ रहे अपने पास ही, मांकी काले पीले नीले, और एक इधर पे ये इधर पे पूरे खानदान, क्या बात है, उधर अभी है। तो मैंने नहीं सोचा था ना कि मुझे यहाँ पर ये भी देखने मिलेगा, रोड पर ही बंदर और काफी चीजें देखने मिल रही है, थोड़ा सा डर लगा कि कहीं आ ना जाए, अच्छा हुआ वो साइकिल वाले आ गए, नहीं तो आ भी जाता था, क्योंकि ये सब चीज़ों में क्या होता है उनका, बंदर जो है ना वो अटैक करता है फ़ोन के ऊपर या जो भी उनको चीज़ें मिल जाए, अब वो लेके भाग गया तो उसके पीछे मैं कहाँ भागूंगा, हार जाऊंगा ना, अच्छी बात नहीं है। मजाक था मजाक। पहला दिन गांव में मेरा अच्छा ही जा रहा है,
मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। थोड़ा तो मुझे बोर लगा था कि उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अब मुझे ना अच्छा लग रहा है। वो क्या ये सिटी चेंज हुआ ना, और मेरी कंपनी से भी मैं दूर हूँ, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा ना अजीब लग रहा था। लेकिन अब यहाँ पर रवि तो पूरा कच्चा धूल 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 पूरा भूत बन गया हूँ। आगे गाड़ी गई है ना, तो सड़क भी थोड़ी सी कहीं मतलब पक्का है कहीं कच्चा है, तो धूल बहुत उड़ रहा है। हम लोग स्लो स्लो जाएंगे, आइए सीन दिखाता हूँ। देखो देखो कितना धूल उड़ा के गया है वो गाड़ी वाले ने, है कि क्या ये बताने गए। ऐसे में तो हम लोग मतलब लड़की का ये रास्ता बहुत अच्छा है, मैं तो बोलता हूँ गलत यहाँ से जाए। ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, मेकअप अच्छे से पूरा हो जाएगा, जो सांवले हैं काले हैं वो यहाँ से बारात जाते जाते गोरे हो ही जाएंगे, गारंटी मैं दूंगा, एम के गारंटी देता है इस बात की। तो गाइस ये देखो गाइस, और एक चीज़ मतलब कि अभी हम लोग यहाँ पर मोर नाच कहाँ नाच रहा है, ओके बड़ा सुस्त मोर है। अच्छा वो ये बड़ी सुस्त मुरैली है, इतना स्लो को नाचता है। और दूसरा इधर का ना वो वहाँ भागा, इधर गांव में आ गया हूँ ना गाइस, तो ये सब चीज़ें देखने की मिलेगी, मतलब कि मोर बंदर पक्षी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने मिल रही है। और शाम का भी टाइम हो गया है ना, तो व्यू भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, और यहाँ पर है ना बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, मतलब कि 5:30 बजे के टाइम पर अंधेरा हो ही जाता है। 5 बजे कितना, 5 बजे? अच्छा 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है, ओके। तो आधे घंटे हम लोग पास में है, आधे घंटे में हम लोग जो जो चीज़ें देख सकते हैं देखेंगे और इंजॉय करेंगे। मुंबई से ज़्यादा गाइस गांव का व्यू मतलब मौसम अच्छा है, और व्यू भी बहुत प्यारा प्यारा देखने मिल रहा है, जैसे कि मतलब इतनी सारी हरियाली और ठंडा सा मौसम है। आपको भी देखो कितना अच्छा लग रहा होगा, मतलब ये जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो आप भी देख रहे हो, और आप कैसा फील कर रहे हो मुझे ना कॉमेंट में बताओ। गाइस कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन जो लफ्ज है ना वो कम बढ़ जा रहे हैं, मतलब जितना भी मैं देख रहा हूँ ना व्यू कमाल का ही व्यू है, बहुत ज़्यादा अच्छा और अच्छा लग रहा है मुझे ये सब, ये सारी चीज़ें देख के। तो पहला दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा जा रहा है, हाँ। और ऐसा दूसरा दिन भी आप ना कहीं ना कहीं तो चलेंगे, मतलब हम और भी जगह चलेंगे, कमाल का व्यू है बहुत ज़्यादा औसम, जितना मैं तारीफ करूँगा मेरे उत्तर प्रदेश की उतना कम है, क्या ही मैं बोलूँ। बस व्यू का मज़ा ले रहा हूँ देख देख के, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल अभी हम लोग ना देखने चले थे अपना धान कटने के लिए, वहाँ पर तो जाके मतलब ऐसा सीन हो गया कि कोई चीज़ का पेड़ था मतलब फल लगे मैंने पता नहीं, लेकिन देख के अच्छा लगा मुझे, मुझे कुछ देने वाले में तो मतलब पूरा जो धान है ना हम लोग का वो कट चुका है, अभी क्या है कि हल जोत रहे हैं उसमें आलू वगैरह डालेंगे, क्योंकि मुझको आने में भी लेट हो गया ना, मैं मुंबई से आया भी इधर पे हूँ लेट, तो सब चीज़ें जो हम लोग का था हम लोग खेतों में वो चीज़ तो अभी नहीं है, बाकी के और जो खेत है जिस दूसरे लोगों के तो वहाँ पर जो क्या है ना कि अभी भी कटना बाकी है, तो मैं वो चीज़ सब ना चीज़ ना दिखा दिया हूँ। और आंटी ने क्या मतलब टेंशन था कि बोले बंदा क्या कर रहा है। वो गाँव की मार्केट देखो, ये ऐसा रोड पर देखने मिलेगा पूरा मंडी, ये साइड आज लगता है ये इधर मार्केट लगी हुई है, मंडी 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 संडे है ना, हाँ संडे की बाजार है ये। अपन अंदर चल रहे क्या कुछ लेने गए, हाँ चलो इसके बाद में कुछ खरीदारी करेंगे, देखते क्या लेने का अपने को। अरे क्या बात है गन्ने में आ गए क्या, दस का 20 पाँच का 10 आप राउंड मान रहे थे क्या, ये
क्या लेने गए? टमाटर। अरे वाह, हमारे चाचू करेंगे खरीदारी। चलो सही है ना, मैं भी देखता हूँ ना क्या क्या मसला है लेने का। चलो सही है, जिनको मतलब एक चीज और मैं गाइस बोल दूं आप लोगों को, मेरे भाई की ना मतलब मेरे चाचू की ना शादी होने वाली है, तो शादी से पहले का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जो कि भाजी लेने में देखो इतना अच्छे से वो जो निकाल रहे ना एकदम देख दाख के, ये तो मुझे तो नहीं आता उतना अच्छे से, लेकिन माशाल्लाह से इनको ये सारी चीज़ों की नॉलेज है, अच्छा है। तो क्या है बोलूँ, ये संडे की मार्केट इधर पे और पूरा बाज़ार लगा हुआ है। चलो इसी बात हम लोग संडे की मार्केट भी आ गए, तो ये अभी हमारे चाचू भाजी जी लेंगे। और उतनी मेरी आवाज़ नहीं आएगी तो एक बार खाली ना, बस मैं ना व्यू दिखाता हूँ यहाँ का मार्केट का, पूरा व्यू देखो बहुत ही कमाल का और औसम है। बाकी आवाज़ सुनो, 10 का है, 20 का है, 50 का, यही सब चल रहा है। और ये हम लोग अभी ना खरीदारी करते रहेंगे। तो चलो गाइस, इस वीडियो को यहाँ पर ही मैं करता हूँ एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरा दिन कैसा आएगा वो भी मैं बताऊँगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बाकी देखो हमारे चाचू जो हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं ना, वो मज़ा ही को चला ये। क्या भिंडी ले रहे क्या अभी? सही है सही है। तो गाइस फिलहाल यहाँ पर हमारे चाचू ने इतना कुछ सामान तो ले लिया, मतलब भाजी में अगर देखेंगे ना तो इन्होंने ना इतना कुछ खरीद लिया है। इनके इन्हें शादी जो है ना वो मई में है, अभी टाइम है, लेकिन लेकिन हाँ मस्ती तभी भी करेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस जो है ना बहुत अच्छा है, मतलब मार्केटिंग करने का। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो चलो अभी हम लोग यहाँ से मतलब ले लिए मार्केट में अपना भाजी भी ले लिए, अब सीधा हम लोग जाएंगे। हाँ मेरे घर का ना इन्वर्टर है, क्या है स्टू प्लाजर है, वो ख़राब हो गया है, वो बंद नहीं ले दिए हुए थे, अभी वहाँ से हम लोग ना स्टू प्लाजर भी लेते हैं और सीधा फिर घर निकलेंगे। तो इस वीडियो का इसमें यहाँ पर ही कर रहा हूँ एंड। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो उसको लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अलग अंदाज में, धूम धड़कता मस्ती करेंगे गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो गाइस, ओके सो बाय।